हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सेट डोसा। सेट डोसा साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सेट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कप चावल लेंगे। कोई भी चावल जो आपके घर में हो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप उड़द की दाल। यहाँ पे हम धुली हुई उड़द की दाल का यूज़ करेंगे। आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उसे 2 कटोरी चावल और 1/2 कटोरी दाल लेना है। 1/2 छोटी चम्मच हम डाल देंगे मेथी का दाना। अब इन सारी चीज़ों को हम पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। धोने के बाद हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे। चावल और दाल के थोड़े ऊपर तक हमें पानी डालना है। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद हम इसे 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटे हो चुके हैं, हमारा जो दाल और चावल है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भीग गया है। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद इस चावल को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके बाद हम इसका एक स्मूथ बैटर बना करके तैयार करना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1/2 कटोरी से 1 कटोरी पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ही चिकना इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसे एक कंटेनर में डाल देंगे। आधी आधी करके 2 से 3 बार हमें इस बैटर को पीसना है। दूसरी बार का भी बैटर मैंने यहाँ पे पीस लिया है, उसे भी हम सेम कंटेनर में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप पोहा लिया है। इस पोहा को भी हम अच्छी तरीके से धो लेंगे 1 से 2 बार। उसे हम 5 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। पोहे को भीगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में बहुत जल्दी से भीग करके तैयार हो जाता है। पोहे के भीगने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं। ये देखिए, मैंने पोहे को पीस लिया है। अब हमने जो दाल और चावल का पेस्ट बना करके रखा था उसमें पोहे का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप इसमें पानी डाल करके पीसेंगे तो आपका पेस्ट जो है थोड़ा सा पतला बनेगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके से हम पोहे को अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल और चावल के पेस्ट के साथ और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ऐसा करने से फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे से होता है और जो आपका डोसा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। उसके बाद हम इसे 10 से 15 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने पूरी रात के लिए इसे छोड़ दिया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है और इसका फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। आप इसकी जालियाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा बैटर हो गया है। जितना हमने बैटर डाला था उसका ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो चलिए इसे अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और जितना बैटर हमें चाहिए डोसा बनाने के लिए उतना हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे और बाकी को हम फ्रिज में स्टोर करके 6 से 7 दिन के लिए भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें 1 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है डोसे का। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए, बैटर बिल्कुल रेडी है। अब डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है। तवे के गर्म होने के बाद हम उसमें 2-3 बूंद ऑयल की डाल देंगे। उसके बाद एक कॉटन का गीला कपड़ा ले लेंगे और उसे इस तरीके से पूरे तवे को पोंछ देंगे। ऐसा करने से जो डोसा है वो तवे पे चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब 1 बड़े चम्मच डोसे का बैटर लेंगे, उसको इस तरीके से हम तवे में फैला लेंगे। जितने साइज़ की हम पूड़ी बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पे डोसा बनाना है। अगर आप चम्मच से नहीं फैला पाते हैं तो आप इसे एक छोटी कटोरी लीजिए, उससे भी आप बना सकते हैं। हल्के से इसमें बबल आने के बाद हम बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। ये जो सेट डोसा होता है वो इस तरीके से छोटे छोटे डोसे का 3 सेट होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इसी तरीके से 3 डोसे का सेट मिलेगा, उसी को हम सेट डोसा बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल साइड साइड में डाल देंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के जितना ही हमें ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पर नहीं डालना है, इस डोसे में बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं होता है। तो चलिए, अब हम डोसे को ढक देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, ये देखिए हमारा डोसा जो है वो पक चुका है। तो हमें ऊपर से इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है, पलट के डोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा डोसा बना लेते हैं। आप चाहें तो डोसे को ऐसे सादा भी सर्व कर सकते हैं, पर जो होटल में अगर आप कभी इस तरीके से सेट डोसा खाएंगे तो उसमें धनिया की पत्ती और गाजर इस तरीके से ग्रेट करके दिया जाता है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सेट डोसा जब भी पकने लगता है तो उसमें हल्के से बबल आने लगते हैं और उसमें खूब सारी जालियाँ दिखने लगती है। इसका मतलब है कि आपका जो डोसा है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो सारे डोसे मैंने यहाँ पे बना करके तैयार कर लिए हैं। इसे आप मूंगफली की चटनी के साथ या फिर नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारा डोसा बना है। ये स्पंजी भी है
और जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको खूब सारी जालियाँ भी दिखेंगी। हमारा सुपर सॉफ्ट और स्पंजी सेट डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।